फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश भाई रिपेयरिंग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे पास ग्लैमर BS6 आई है और ये इसमें कस्टमर हमको बता रहा है कि ये धूप में जैसे ही खड़ी करते हैं थोड़ी देर 10-5 मिनट, तो क्या होता है इसमें कि मतलब धूप में खड़ी होने के बाद इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट नहीं होती तो क्या क्या प्रोसेस होता है उसको चेक करने का, अगर आपकी गाड़ी भी अगर धूप में खड़ी होने के बाद स्टार्ट नहीं होती या मोटर वर्क नहीं करती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने पूरी फुल्ली गाड़ी ओपन कर रखी है और जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें OBD जब हम लगा करके देख रहे हैं तो OBD में भी कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं सन में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए कपड़े लगा हुआ, ये हमारे पास OBD रखी हुई है। फ्रेंड, जहाँ पे OBD ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे OBD बताना ख़त्म हो जाता है OBD का काम, वहाँ पे हम मैकेनिक भाई अपना दिमाग लगाते हैं अपना। तो फ्रेंड, जहाँ पे OBD का काम ख़त्म हो जाता है करना, वहाँ पे हम अपने मैकेनिक भाई अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ मशीन नहीं बता सकती और हर एक चीज़ हम लोग मैकेनिक भाई भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी, ये इसमें प्रॉब्लम जो बताई गई है कि इसमें जो है गाड़ी जो है धूप में खड़ी होती है उसके बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, स्टार्ट नहीं होती, मिसिंग करती है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से क्या है OBD लगाने के बाद भी नहीं पता चली, तो हम लोग चेक करेंगे पर्सनल कि क्या क्या चेक करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आती है, मिसिंग प्रॉब्लम आती है, धूप में खड़ी होने के बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती, सब कुछ हम सीरियल बाय सीरियल चेक करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने पूरी गाड़ी ओपन कर ली है और इसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसका जो इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें पावर चेक करेंगे, पार्क वाल में पावर चेक करेंगे, इंजेक्टर में पावर चेक करेंगे, सब चीज़ों में पावर चेक करेंगे। कभी कभार होता है कि हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम तब आती है जबकि पावर कहीं से नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम सब चीज़ें हम चेक करेंगे, तो चलिए हम चेक करते हैं सबके पावर में आपको बताता हूँ वीडियो में सीरियल बाय सीरियल। टंकी का फ्यूल मोटर का है। ठीक फ्रेंड, तो इसमें पावर कहाँ पे चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको पावर चेक करना है ब्लैक और ये रेड में, ब्लैक और रेड में हम चेक करेंगे, तो हमको इस पर क्या करना है 20 वोल्ट पे सेट करना है। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, ये 20 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो कभी भी अगर हमको सप्लाई चेक करनी है तो 20 वोल्टेज ही पे चेक करेंगे और चाबी ऑन करके चेक करेंगे, चाबी हमको ऑन कर लेनी है। एंड इसमें सप्लाई जो है हम कहाँ से चेक करेंगे चाबी ऑन करके, ये जो वायर हुई है ये ब्लैक और रेड। ठीक फ्रेंड, तो प्लस वाली इसमें लगा देंगे। ठीक फ्रेंड, इसमें लगाने के बाद अब हम कहीं भी अर्थिंग दे देंगे, तो ये देखिए इसमें जो सप्लाई है इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, 11-12, ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा जो है कनेक्टर जो है बिल्कुल ठीक है, फ्यूल मोटर पंप बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सप्लाई चेक करनी फ्यूल मोटर पंप की तो यही वाली जो है, ये वाली जो तार होती है इसमें चेक कर लीजिएगा, इसमें ये खाली होता है और इनमें से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये वाली तार में जो है सप्लाई आनी चाहिए। ठीक फ्रेंड, तो ये हमारी सप्लाई चेक हो गई, अब हम पार्क वाल का चेक करेंगे, तो पार्क वाल का हम सॉकेट निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, ये पार्क वाल होता है, पार्क वाल ये होता है इसमें लगता है, ये जो होता है हमारा जो है चारकोल कंटेनर होता है, ये टैंक में कनेक्टर होता है, ये देखिए टैंक में कनेक्ट होता है। पार्क वाल क्या होता है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पार्क वाल जो होता है आपका जो फालतू फ्यूल जो होता है जो हवा में उड़ता है उसको ये कंट्रोल करके सीधा हमारे फ्यूल इंजन में डाल देता है। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड पार्क वाल में कैसे सप्लाई चेक की जाती है, आपको 12 ही वोल्ट पे करंट लगाना है और ये जो काली वाली तार है ये इस पर लगा के इस पर इस तरीके से लगाना है, इस तरीके लगाने के बाद कहीं भी अर्थिंग दे देनी है और हम मीटर में देखेंगे। ये देखिए 12 वोल्ट सप्लाई इसमें आ रही है, 12 वोल्ट इसमें सप्लाई आ रही है। ठीक फ्रेंड, इसका मतलब हमारा पार्क वाल का भी जो कनेक्शन होता है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है एक ये वायर होती है जो ये जो रेड और ब्लैक होती है, इसमें पार्क वाल में भी रेड और ब्लैक होती है। ठीक फ्रेंड, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आपको आनी चाहिए, अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो समझ लीजिएगा पार्क वाल आपका सही है और आपका जो फ्यूल का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमको चेक करना है इसका टायर, इंजेक्टर हम ओपन करेंगे और इंजेक्टर ओपन करके हम चेक करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड फ्यूल इंजेक्टर ओपन करने के लिए लॉक यहाँ पे लगता है, उसको ओपन करना पड़ता है, उसको ओपन करने के बाद आपको ये निकाल लेना है। ठीक फ्रेंड, और इसमें जो वायर होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वायर आपकी चेंज नहीं होगी, वायर सेम रहेगी, ये जो कि रेड और ब्लैक वायर है, ये देखिए आपकी ये रेड और ब्लैक इस वायर में सप्लाई आपको चेक करना है, 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें भी चेक करेंगे हम। तो एक इसमें लगा दिया और एक कहीं भी अर्थिंग दे दिया, तो हम मल्टीमीटर में दिखाएंगे।
तो ये देखिए 12 वोल्ट इसमें भी सप्लाई आ रही है। ठीक फ्रेंड, तो इसका मतलब जो हमारी सप्लाई जो है बिल्कुल टोटल कंप्लीट है, करंट हमारी गाड़ी में प्रॉपर आ रहा है, बैटरी भी हमारी चार्ज है, सब कुछ हमारा ठीक है। तो फॉल्ट किस में है? फॉल्ट तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हमने चेक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कनेक्शन वायरिंग कनेक्शन सारे चेक कर लिया, मल्टीमीटर हमारे पास रखा हुआ। तो फ्रेंड आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो ये वाली जो पाइप होती है टंकी में लगती है। ठीक फ्रेंड, तो ये टंकी में लग जाती है, कहाँ लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड टंकी में जो है यहाँ पे ये जो पाइप लगती है, ये वाली जो पाइप होती है यहाँ पे लगती है। ठीक फ्रेंड, और एक जो पाइप मोटी वाली यहाँ लगती है, ये जो मोटी वाली पाइप होती है ये पानी पास करने वाली होती है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो पाइप होती है ये चारकोल कंटेनर से आती है, यहाँ पर लगती है और एक यहाँ लगती है, और इसके अंदर भी पाइप होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये वाली जो पाइप होती है पानी जाने वाली होती है, और इसके अंदर जो पाइप होती है ये देखिए अंदर ये पाइप लगी हुई हैं, ये देखिए आपको दिखा दे रहा है। ये पाइपें जो होती हैं ये जो हमारी एयर जो पेट्रोल की एयर होती है वो ऊपर आती है, वो ऊपर आती है तो उसको आपको घुमा करके चारकोल कंटेनर से इसमें जो है फ्लो करके आपको इससे करके इसमें इंजन में दोबारा सप्लाई किया जाता है। ये देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है हमारा टोटल बॉडी में। ठीक फ्रेंड, तो ये यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से लॉक हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है, अगर ढक्कन में कहीं से एयर लॉक हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और जो अगर ये वाली पाइप होती है, ये देखिए ये हमारी पाइपें लगी हुई हैं, ये बिल्कुल नीचे ये यहाँ पे लगी हुई है, और अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है ये दोनों पाइप अगर ब्लॉक हो जाती है, यहाँ से ये देखिए ब्लॉक आधी हुई है, तो ये अगर पाइपें ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ से एयर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो एयर सप्लाई ना होने की वजह से जो गाड़ी में जो है मिसिंग की प्रॉब्लम, बंद होने की प्रॉब्लम और स्टार्टिंग प्रॉब्लम BS6 गाड़ियों में अधिकतर आती है। फ्रेंड ये जो पाइप होती है ब्लॉक हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो एयर अच्छे से नहीं पहुँच पाती चारकोल कंटेनर में, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड कभी भी अगर आपके पास मिसिंग की प्रॉब्लम, झटके की प्रॉब्लम, या खड़ी होकर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, धूप में प्रॉब्लम आती है, धूप में खड़ी करने की प्रॉब्लम आती है, धूप में खड़ी कर दो तो स्टार्ट नहीं होती, तो यही प्रॉब्लम होती है। ये हमने पाइपें साफ कर दिया है, अब हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ग्लैमर भैया हमने पूरा फिट कर दिया, अब स्टार्ट किया आपको आपकी गाड़ी स्टार्ट किया, और ये देखिए स्टार्ट हो गई, और कोई मिसिंग की प्रॉब्लम ना झटके की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।